Uh, good afternoon, everyone. Good afternoon here. Online, good afternoon. I hope I am perfectly audible. Jatin, Krishna, Radhika, Rajat. Yes, a very good afternoon to everyone. So, from today, uh, we are going to start with the income tax crash batch. बट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें कर लेता हूं आप लोगों से ऑलरेडी हम लोगों ने एक अटेम्प्ट दे दिया है सो यू इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक इशू वाइल स्टडिंग दिस सब्जेक्ट बाकी मैं बताऊंगा इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना चाहिए कैसे हमें उस सब्जेक्ट को पहले दिन पढ़ना पहले दिन से लेके आखिरी तक कैसे पढ़ना चाहिए आई विल टेल यू बट पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या इशू फेस किया इवन ऑनलाइन वाले भी मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं फ प्रैक्टिस एक इशू बहुत रहता है कि सब हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम करी हमने प्रोविजन्स बहुत पढ़े लेकिन हमने क्वेश्चन कम प्रैक्टिस किए है ना दिस इज द बिग इशू क्रैश बैच में हम यही पूरी कोशिश करेंगे कि आपको देखो प्रोविजंस बहुत सारे पता होंगे प्रोविजंस आपने कितनी बार रिविजाइन कर रखा होगा बट मेरा फोकस होगा कि मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करवाऊं करवाऊँन इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करना और लोग वही गलती करते हैं कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं। आपने भी अटेम्प्ट दिया होगा और देखा होगा जो क्वेश्चन आते हैं ना पीजीबीपी का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर डिडक्शन के पॉइंट क्या कर देंगे इंक्लूड कर लेंगे सैलरी का क्वेश्चन आएगा डिडक्शन के पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा वहां पर सैलरी की भी बात हो जाएगी डिडक्शन की बात हो जाएगी चैप्टर्स को कंबाइन करते हैं मैं आप लोगों को फोकस करूंगा कि मल्टीपल चैप्टर्स के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कराऊं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊं जिससे आपको बेनिफिट होगा और कोई इशू जो आपने फेस किया याद रहने की प्रॉब्लम है क्या कि प्रोविजंस भूल जाते हैं ऐसा होता है क्या सी ये चीज़ का टेंशन आपको नहीं होगा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको चीज़ें याद भी हो जाए इसके पहले एक सब्जेक्ट था ई जो मैं पढ़ाता था उसमें मेन चीज़ याद करवा नहीं होती थी है ना सो so, उसमें मेरा एक्सपर्टीज है आपको चीज़ें हंड्रेड परसेंट मेरे से पढ़ने के बाद याद होगी जैसा मैं बोलूंगा जिस तरीके से जिस सिक्वेंस में मैं चलूंगा उससे चीज़ें आपको याद रहेगी तो याद रखने की प्रॉब्लम का टेंशन मत लो मेन टेंशन जो होना चाहिए वो प्रैक्टिस का टेंशन होना चाहिए और प्रैक्टिस कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है मॉड्यूल के क्वेश्चन खुद के क्वेश्चन हो पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन हो टेस्ट पेपर के क्वेश्चन हो आरटीपी के क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन हम क्लास के साथ ही कवर कर लेंगे जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे देखिए एक चीज होती है इनकम टैक्स को अप्रोच अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है इस टाइम पे इनकम जो हम सब्जेक्ट टैक्स को अप्रोच करते हैं तो लोग क्या करते हैं जीएसटी के पचास नंबर है और इनकम टैक्स के कितने हैं दोस्तों पचास नंबर है ऐसा स्टूडेंट्स कहते हैं कि साहब जीएसटी इजी होता है तो वो जीएसटी को पहले क्या करते हैं अप्रोच क्या ये बात सही है आप लोगों ने भी ऐसा ही किया था जी एस... जीएसटी को पहले पहले इनकम टैक्स को अप्रोच किया था यस yes, हो सकता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो या आपको ज्यादा इनकम टैक्स पसंद हो बट जनरली ऐसा सुनने में आता है कि जीएसटी से लोग स्टार्ट करते हैं सी जीएसटी आसान है जीएसटी जल्दी हो जाता है उसका सिलेबस क्या है कम है इनकम टैक्स में क्या है कि सिलेबस कंपेरेटिवली थोड़ा वास्ट है हमारे को सबसे पहले क्या करना चाहिए पता है सबसे फर्स्ट टाइम में हमें अपने को इतना मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करना है कि जिससे हम पास हो जाए सी 50 50 नंबर का जीएसटी है आप ईमानदारी से 50 नंबर का जीएसटी पूरा कवर करते हैं पूरा जीएसटी करते हैं और उसमें 30 मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं 40 50 में से कितने मार्क्स बोल रहा हूं मैं 30 मार्क्स क्योंकि भाई जीएसटी छोटा है पूरी मेहनत करो ना वहां पे 30 नंबर पर लाओ अब बात आती है इनकम टैक्स की इनकम टैक्स का पेपर उठाकर देखो दोस्तों हमेशा रेसिडेंशियल स्टेटस करके एक चैप्टर होता है रेसिडेंशियल स्टेटस करके छोटा सा चैप्टर है जिसमें छह या पांच नंबर के क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं एक चैप्टर उठा के देखो टीडीएस चार नंबर का आता है एग्जाम में टीडीएस टीसीएस एग्जाम एडवांस वो रिटर्न ऑफ इनकम उठाकर देखिए आप रिटर्न ऑफ इनकम आता है दो नंबर का आप देखो छ नंबर किससे मिल रहे हैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस जैसे छोटे से इजी चैप्टर से मिल रहे हैं चार नंबर आपको कौन दे रहा है टीडीएस इसमें मैं आपके एक एक नंबर कटने नहीं दूंगा, ना रेसिडेंशियल स्टेटस में आ जाए कि हम इतना तो कर लिया हमने कि भैया पास होने का टेंशन नहीं है एग्जामेशन तो लेते आएंगे तो फिर हम लेकर आ जाएंगे साठ नंबर पे कैसे पूछना है पहले चालीस की तैयारी करो तो भाई छे और ये चार ये अगर आप ये तीस और इधर दस इनकम टैक्स में कुछ नहीं करना होता है दोस्तों रेसिडेंशियल स्टेटस और टी भी करके जाता है ना इंसान सही से तो भी उसको कितने नंबर आ सकते हैं दस नंबर इनकम टैक्स में स्कोर कर सकता है ऐसा आप आप खुद यहां पर आए हो आपको खुद को पता है कि बीजेबीपी का कितना भी बड़ा क्वेश्चन आया आप स्टेप मार्किंग स्कोर कर लोगे सैलरी हेड का क्वेश्चन आएगा आप स्टेप मार्किंग क्या कर लोगे स्कोर कर लोगे हाउस प्रॉपर्टी अपने आप में एक आसान सा क्या होता है चैप्टर होता है वहां पर भी आपको क्या मिल जाएगी स्टेप मार्किंग पास होने का टेंशन ही नहीं होना चाहिए होने का टेंशन ही नहीं क्योंकि अगर आपने दस नंबर यहां से कवर कर लिए दो तीन नंबर दो एक नंबर सैलरी हेड और दो एक property, इंसान के पचास नंबर यहीं से आ जाते करना क्या है जो सब्जेक्ट वीक है उसको अपन को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए इस बार एग्जाम में इवन अस्सी अस्सी मार्क्स एक स्टूडेंट को एट मार्क्स भी आए इनकम टैक्स में मतलब like अच्छा इत, इतनी मार्किंग को स्कोर करनी है तो आपको उस पे ग्रिप चलनी है। इसको हमेशा हमको सिर्फ इंटर के लिए नहीं सोचना हमें फाइनल के लिए भी सोचना है वहां पर तो ये और लेंगे हो जाएगा और यहाँ पर डिटेल में आपको वहां पर पढ़ाया जाएगा वहां पढ़ना पड़ेगा उसका बेस तो यहाँ से तैयार होना चाहिए तो उस एंगल से हमको चलना रहेगा ठीक है इनकम टैक्स में एक एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं हाँ मैंने जितना पार्ट करवाया था वो आपने अच्छे से किया था इस बार हम पूरा पार्ट करेंगे साथ में तो आपको शायद पूरा कवर हो जाए अच्छा आप पहले से पढ़े हुए हैं मुझसे आप एकेडमी के हैं आप एकेडमी के ही हैं अच्छा आप भी अच्छा आप एकेडमी के ऑलरेडी मुझसे अपने शायद आशीष सर हो या आपने मिलकर हमने पढ़ाया था और आप सिर्फ आशीष सर से पढ़े हुए हैं ठीक है आप पहले और पहले के स्टूडेंट्स है जो ए पढ़े हुए थे तो ठीक है और आप आप कहीं और से है ना ठीक है अच्छा तो जो अच्छा जतीन रजत ये सब तो आपको तो पता ही है दोस्तों अपने को याद करने का तो लोड होगा नहीं आपने ई देखा होगा तो ई भी थोड़ा बहुत हमें याद हो जाता था उससे तो ईदी सब्जेक्ट ही है उससे ईदी सब्जेक्ट है इनकम टैक्स याद करने का कोई इशू नहीं है प्रैक्टिस कराने में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हंड्रेड आप सब लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे पचास बैर मिनिमम इस सब्जेक्ट के अंदर हम टारगेट रखेंगे बाकी आपको जितनी इच्छा हो वो आपकी कैपेबिलिटी होती है मैं कितना भी पढ़ा दूं ना मेरे पढ़ाने से रैंक आएगी ना मेरे पढ़ाने से कुछ एग्जामेशन आएगी वो सब आपकी मेहनत होती है मेरे पढ़ाने से इतना होगा कि हाँ आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी अगर आपको कुछ भी अच्छा करना हो उसमें हेल्प मिल सकती है वो आपका है जो आपको एग्जाम्शन आती है वो आपकी मेहनत है देखिए इनकम टैक्स पढ़ते टाइम सबसे फर्स्ट चीज फर्स्ट चीज आपको ये याद रखनी है कि हमें

90% के जो क्वेश्चन के अंदर है, वो किसकी है? की है। लेकिन हो सकता है सोच नहीं पाते सैलरी की इंफॉर्मेशन को कंसिडर कर लेते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं वो गलत हो गया तो टोटल इनकम गलत टोटल इनकम गलत तो आपका टैक्स कैलकुलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा आप किसी सुनसान रोड पे चल रहे हैं कोई आपको पीछे से आके टच कर दे आप डर जाओगे लेकिन आपको पता है कि पीछे से कोई आके टच कर सकता है आप अवेयर रहोगे तो आपको डर नहीं लगेगा आप जब सैलरी एट का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप ध्यान रख लो कि भैया कोई कैपिटल गेन्स का पॉइंट तो नहीं है हर क्वेश्चन में सोचो कैपिटल गेन्स का पॉइंट तो नहीं है कोई पीजीवीपी का पॉइंट तो नहीं है कोई अदर सोर्सेज की चीज तो नहीं है कोई डिडक्शन तो एप्लीकेबल नहीं है तो हमेशा आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है टोटल इनकम फाइंड आउट करना है वो आपकी किस्मत होगी कि जब क्वेश्चन आएगा वो उसी चैप्टर का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें किसी और चैप्टर की बात की ही नहीं होगी दैट विल बी योर लक बट उसे लक मानना है हाँ टाइम कम पड़ गया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो मैंने खुद ने पेपर देखा है अगर आपको टाइम कम पड़ा है तो आपकी प्रैक्टिस कम थी हंड्रेड परसेंट बोलता हूँ आपकी प्रैक्टिस कम थी पेपर इतना डिफिकल्ट था ही नहीं ये क्लास करने के बाद या बीच बीच में जो हम चैप्टर हो जाएगा उसके हम जब क्वेश्चन पेपर है जो आपका पेपर आया था वही क्वेश्चन देखकर हम क्या करेंगे सॉल्व तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम और इसमें कोई गलत बात नहीं है जब हमें पता चल जाएगी हमारी प्रॉब्लम थी तो उस प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं दूर कर सकते हैं हम अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं डोंट वरी तो पहली चीज तो आप याद रखोगे कि जब भी इनकम टैक्स पढ़ोगे तो हर चैप्टर के अंदर टोटल इनकम निकालने की सोचोगे टोटल इनकम कैसे निकालते हैं सी सबसे पहले आपको पर्सन होना चाहिए पर्सन की इनकम कैलकुलेट की जाती है फिर पर्सन का क्या पता होना चाहिए आपको स्टेटस पता होना चाहिए उसका स्कोप पता होना चाहिए क्योंकि नॉन रेसिडेंट्स की इनकम अलग टैक्स अल, स्कोप अलग होता है रेसिडेंट की इनकम का स्कोप क्या होता है अलग होता है फिर पांच तरीके से इनकम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में यह भी इंफॉर्मेशन ध्यान दो मतलब आपका चालू कहां से हो जाना चाहिए वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है फिर अगर वो रेसिडेंट है तो कौन कौन से हेड से सैलरी हेड की तो कुछ इनकम नहीं है हाउस प्रॉपर्टी की तो नहीं है सैलरी हेड की तो नहीं है अदर सोर्सेस को नहीं आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा हर हेड का एक फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए क्वेश्चन लोग गलती करते हैं लोग क्या गलती करते हैं मान लो कि क्वेश्चन में आता है तो भाई साहब मुकेश सैलरी अर्न कर रहा था बो, बोनस दे दिया कमीशन दे दिया उसके अलावेंसेज दे दिए पर दे दिए और नीचे लिख दिया कि साहब वो रेंटल इनकम भी अर्न कर रहा है तो लोग क्या करते हैं उसको पचास हजार रुपए का क्या मिलता है रेंट मिल रहा है तो भाई पचास हजार इंटू बारह कर देते हैं और बोल देते हैं कि साहब वो इनकम फ्रॉम क्या है हाउस प्रॉपर्टी कितनी बड़ी गलती हर एक हेड का इतना फॉर्मेट है उस फॉर्मेट से सॉल्व करो आपको पता है कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इनकम निकालना है तो पहले जीएबी आती है फिर क्या आता है म्यूनिसपल टैक्स फिर आता है एन फिर ट्वेंटी फोर ए की डिडक्शन भले ही क्वेश्चन में नहीं है लेकिन आपके दिमाग में तो वो क्या होना चाहिए फॉर्मेट होना चाहिए जैसे आपने रेंटल इनकम देखी देख लो कहीं म्यूनिसपल टैक्स तो नहीं है कहीं ट्वेंटी बी की डिडक्शन तो नहीं है कहीं ट्वेंटी ए की डिडक्शन देना है तो देना देना पड़ती है ट्वेंटी ए के अंदर तो थर्टी की क्या मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है आपका माइंड क्या होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी बोलते से सिर्फ रेंटल इनकम नहीं दिखना है हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट सामने आ जाना चाहिए आपके फिर ढूंढो क्वेश्चन में ढूंढो कि भैया जीएबी के अंदर रीजनेबल रेंट निकालना है फिर देखो वेकेंसी तो नहीं है सैलरी एड जैसे ही कोई आपको सैलरी बोले सैलरी में बोनस पर्क कमीशन अलावेंसेस रिटायरमेंट बेनिफिट सब क्लिक हो जाना चाहिए इतना हमको अपने को माइंड को क्या करना है डेवलप करना है कोई पीजीबी बोले PGB बोले तो भाई सब पता कौन सा खर्चा कौन से सेक्शन से अलाउड होगा कौन सा खर्चा अलाउड नहीं होगा क्योंकि डिसअलाउड एक्सपेंडिचर होंगे सारे सेक्शन क्लिक होने पीजीबी पे आते थ्री फोर्टी एट टू उतनी ग्रिप बनाना है उतनी हमको क्या करनी है ग्रिप बनानी है एंड वो हम बनेंगे डिडक्शन डिडक्शन की लिस्ट जैसे ही कोई डिडक्शन बोले तो आपको डिडक्शन हर क्वेश्चन में चेक करना है कि डिडक्शन हमें देनी है नहीं देनी है डिडक्शन एप्लीकेबल है या डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है डिडक्शन बोलते सही ही ए टी सी ए टी ट्रिपल सी ए टी सी सी डी ए टी सी सी डी वन सी सी डी टू सी सी एच डबल जे डबल ए क्यों क्यू बी आर आर बी टी टी निकलना है क्लबिंग क्लबिंग बोलते से क्लबिंग के सेक्शन सिक्सटी सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर करके क्लबिंग के सेक्शन से याद आने चाहिए तब आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे अच्छे से प्रिपेयर होगा एग्जाम आपकी अच्छी जाएगी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा डिफिकल्ट सब्जेक्ट करके नहीं है ये सब्जेक्ट बस प्रॉब्लम यहाँ पर ही आती है कि लोग प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक करते हैं सही अप्रोच से नहीं करते मैं आपको अप्रोच प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा नॉलेज हंड्रेड परसेंट आपके पास होगा क्योंकि आपने पढ़ा है नॉलेज है उसको सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करने की जरूरत है ओके विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट ओके हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं सी इनकम टैक्स के अंदर जो चार्जिंग सेक्शन है इनकम टैक्स में जो चार्जिंग सेक्शन है वो क्या है आपका सेक्शन नंबर फोर सेक्शन नंबर फोर की कंडीशन फुलफिल होती है तो ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है नहीं तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है सेक्शन नंबर फोर सेक्शन नंबर फोर ये कहता है कि साहब इनकम टैक्स एप्लीकेबल होने के लिए क्या होना चाहिए पर्सन होना चाहिए फिर उस पर्सन की क्या होना चाहिए इनकम होना चाहिए फिर वो इनकम कब होनी चाहिए प्रीवियस ईयर के अंदर होनी चाहिए वो इनकम एग्जाम नहीं होना चाहिए वो इनकम एग्जाम नहीं होना चाहिए वो इनकम उसके स्कोप में आनी चाहिए वो इनकम कहा आनी चाहिए उसके स्कोप में तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या लेंगे टैक्स लेंगे प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लिया जाएगा टैक्स ले लिया जाएगा सेक्शन नंबर फोर ऑफ इनकम टैक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन नंबर जो है इनकम टैक्स का वो यही कहता है कि नेम ऑफ द एक्ट विल बी द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इट बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 1962 और ये पूरे इंडिया में क्या होता है एप्लीकेबल होता है दिस वर्स सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट करके इसकी मार्जिनल uh, नोट होता है काम की चीज नहीं है सेक्शन नंबर टू जो होता है बच्चों को किसका सेक्शन होता है डेफिनेशन का सेक्शन होता है जब भी किसी की डेफिनेशन को हमें रेफर करना होगा तो हम किसके पास जाएंगे सेक्शन नंबर टू के पास सेक्शन नंबर थ्री भी इनकम टैक्स में कौन सा सेक्शन है डेफिनेशन का सेक्शन है ये रहेगा आपका सेक्शन नंबर थ्री जिसमें प्रीवियस ईयर को क्या किया गया है डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर फोर इनकम टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें कंडीशंस दे रखी है कि भैया ये कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा नहीं तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा पर्सन होना चाहिए पर्सन पे ही इनकम टैक्स लगता है पर्सन की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है टू क्लॉस थर्टी के अंदर दे रखी है पर्सन की डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन टू क्लॉस थर्टी इनकम होना चाहिए इनकम की डेफिनेशन कहां दे रखी है टू क्लॉस ट्वेंटी फोर के अंदर इनकम की डेफिनेशन गिवन है प्रीवियस ईयर क्या होता है तो भैया प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन कहां गिवन है सेक्शन नंबर के अंदर कौन कौन सी इनकम एक्समट होती है ये कहा गिवन है सेक्शन नंबर टेन के अंदर इनकम उसके स्कोप में आनी चाहिए एक पर्सन होता है पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस होता है कुछ रेसिडेंट होते हैं कुछ नॉन रेजिडेंट होते हैं आपने सुना होगा रेसिडेंट को सारी इनकम पे क्या करना पड़ता है टैक्स देना पड़ता है फॉर रेसिडेंट ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल लेकिन नॉन रेसिडेंट जो होते हैं उनकी इंडिया से कमाई हुई इनकम ही क्या होती है टैक्सेबल होती है तो जब भी हम किसी की इनकम फाइंड आउट करते हैं तो उसका स्टेटस पता होना जरूरी है क्रिस गेल की इनकम निकालेंगे तो उसकी सारी इनकम नहीं पूछेंगे उससे पूछेंगे कि तू तु, तूने बता तूने इंडिया से कितना कमाया है विराट कोहली से जब इनकम पूछी जाएगी तो तूने इंडिया में कितना कमाया तूने यूएस के अंदर जो मैचेस खेले वहां कितना कमाया

इनकम टैक्स में जो टैक्स रेट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक होता है नॉर्मल रेट और एक होता है स्पेशल रेट स्पेशल रेट जो होता है वो कहां गिवन है इनकम टैक्स में गिवन है जब टैक्स निकालने की बारी आएगी तो कुछ इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है स्पेशल इनकम का मतलब यह है कि साहब या तो वो नॉर्मल इन नॉर्मल रेट से ज्यादा रेट से टैक्सेबल होगा या स्पेशल होने का मतलब ये भी होता है कि वो नॉर्मल रेट से कम रेट पर भी क्या होगा टैक्सेबल होगा सरकार किसी चीज को प्रमोट करना चाहती है तो टैक्स रेट कम कर देती है नहीं तो टैक्स रेट बढ़ा देती है जो स्पेशल टैक्स रेट्स होते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन में गिवन है और जो नॉर्मल रेट्स है नॉर्मल रेट से टैक्स दो टाइप से निकाला जाता है अगर आप नॉर्मल रेट्स फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि नॉर्मल इनकम्स पे नॉर्मल रेट लगते हैं लेकिन नॉर्मल रेट दो टाइप के होते हैं एक होता है डी जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और एक होता है ओ एक दो स्कीम बना रखी है सरकार ने उस कोई सी भी स्कीम को आप क्या कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम जो है उसके लिए जो सेक्शन एप्लीकेबल है वो है सेक्शन 115 सौ और ये 115 सौ पंद्रह बी एस सी कहां दे रखा है इनकम टैक्स में दे रखा है मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ बट मेरी स्पीड थोड़ी सी क्या रहेगी फास्ट और ओटीआर यानी ऑप्शनल टैक्स रेजिम ऑप्शनल टैक्स रेजिम के रेट्स इनकम टैक्स में नहीं दे रखे हैं ये आपको फाइनेंस एक्ट में दिए जाते हैं यानी कहा जाते हैं बजट में नाउ ये आपका चैप्टर नंबर वन है जो आपको पढ़ना चाहिए पर्सन किसे कहते हैं इनकम किसे कहते हैं फिर प्रीवियस ईयर क्या होता है कौन कौन सी इनकम एग्जाम होती है लेकिन बच्चों क्या होता है कौन जो इनकम एग्जाम होती है वो अलग अलग हेड के लिए सैलरी सैलरी हेड में कुछ इनकम एग्जाम होती है हाउस प्रॉपर्टी की कुछ इनकम एग्जाम होती है पीजी भी भी में कुछ इनकम एग्जाम होती होगी तो जिन हेड में जो जो इनकम एग्जाम है हम एग्जाम इनकम को उन्हीं हेड में पढ़ेंगे है ना तो एग्जाम इनकम को हम इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन यस फिर यहाँ पर हम स्कोप भी पता करेंगे कि भैया किस पर्सन का क्या क्या स्कोप होता है जिसके लिए हम सेक्शन फाइव सिक्स सेवन नाइन क्या करेंगे अप्लाई फिर हम किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट करते हैं कौन कौन से स्पेशल रेट्स होते हैं कौन कौन से ऑप्शनल टैक्स रेजिम में टैक्स कैसे कैलकुलेशन होता है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में कौन कौन से रेट क्या रेट एप्लीकेबल है क्या कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ती होगी लेकिन क्योंकि बहुत जरूरी है ये पता होना आप देखो हर क्वेश्चन के अंदर लिखा जाता है ऑप्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्टिंग आउट ऑफ या फॉलोइंग डिफॉल्ट टेक्स रेजिंग हम शुरू से ही करके चलेंगे ये सारी चीजों को कंप्लीट एक एक करके चीजों को छेड़ना स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि साहब पर्सन क्या होता है पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन टू क्लॉज थर्टी वन सेक्शन नहीं कहते हैं इसे क्योंकि जनरली जब मेन सेक्शन से रिलेशन होता है तो क्या होता है सब सेक्शन कहलाता है नाउ दिस सेक्शन टू में डेफिनेशन दे रखी है किसी भी चीज का रिलेशन किसी भी डेफिनेशन से नहीं है जनरली जनरलीस कहते हैं पर्सन की डेफिनेशन कैसे दे रखी है दोस्तों इंक्लूसिव दे रखी है पर्सन की डेफिनेशन आपको क्या दे रखी है इंक्लूसिव पर्सन की डेफिनेशन में इनने इंक्लूड किया है सबसे पहले इंडिविजुअल को इंडिविजुअल को क्या देना पड़ेगा टैक्स देना पड़ेगा मेजर हो माइनर हो साउंड माइंड हो unsound mind हो मैटर क्या लगेगा Tax. Minor होंगे तो parents के क्या ले लिया जाएगा टैक्स तो आपके जो लीगल गार्डियन होंगे उनके थ्रू क्या ले लिया जाएगा टैक्स बट किसी को छोड़ा नहीं जाएगा इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन के ऊपर टैक्स लगता है सेकंड दूसरी चीज जिसपे टैक्स लगता है वो होता है एच यू एफ हिंदू इनको एक क्या माना गया है, है से आपको एग्जाम्पल देता हूँ क्या प्रोविजन हो, एप्लीकेबल होते हैं दूसरे एक्ट के इनकम टैक्स के तो अपन धीरे धीरे पढ़ लेंगे पांच मिनट अपन एच एफ का ज्ञान ले लेते हैं कि बेसिकली एच यू एफ है क्या और बनाई क्यों जाती है, बनाने का रीजन होता है कि टैक्स सेव कर लिया जाए एच एक अलग पर्सन ट्रीट किया जाता है आपने देखा होगा जब भी हम इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो जीरो से लेकर ढाई लाख तक टैक्स नहीं लगता एच के लिए भी क्या होता है जीरो से लेकर ढाई लाख तक टैक्स नहीं लगता तो टैक्स बेनिफिट के लिए क्यों बनती है एच उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ मान लो कि मेरी नाटा से यहाँ से इनकम हो रही है एंड मैं एक प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ वो प्रॉपर्टी से मुझे क्या हो सकती है रेंटल इनकम हो सकती है नाउ अगर मेरी सैलरी इनकम में मेरी सैलरी इनकम में रेंटल इनकम भी क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी मेरे को सैलरी नहीं मिलती आई एम लाइक ऑन शेयरिंग बेसिस मैं प्रैक्टिस करता हूँ इसलिए बोल दू नहीं तो बता सैलरी मिल रही कोई कंप्लेन डाल दे तो मेरी चेकिंग चालू हो जाएगी सो ऐसा नहीं है तो अब अब होगा क्या कि मुझे पता है कि मैं कोई एडिशनल इनकम यहाँ पे लूंगा या मान लो कि मैंने फाइनेंस का, का काम करना स्टार्ट किया और वहां से मैं लोगों का लोन करवा के कमीशन लूंगा अगर मैं अपनी इनकम में इंक्लूड कर लू तो टैक्स क्या बन जाएगा साथ मैं काम कर सकता हूँ जैसे सागर मेरा एक पैन कार्ड है सागर विजयवर्गी एक और एक मेरा पैन कार्ड मैंने लिया एक सेपरेट पर्सन बनाया है और उसको बोला है सागर विजयवर्गी एच तो अब मेरे कितने पैन कार्ड है दो मेरी कुछ इनकम कहाँ शो करता हूँ इंडिविजुअल में और कुछ इनकम कहाँ शो करता हूँ एच सर ये तो सरकार का नुकसान हो रहा है सरकार ऐसा क्यों करने दे रही करने देती है सरकार ने बोला है हिंदुस्तान में रहना है हिंदुस्तान के लोगों से वोट चाहिए हिंदू से वोट चाहिए तो हम उनको एक सेपरेट पर्सन ट्रीट करने देंगे एच को अलग बनाएंगे तो मेरी कुछ इनकम इंश्योरेंस का कुछ इनकम या फिर कमीशन वमीशन कुछ इनकम कहाँ डाल देता हूँ एच में डाल देता हूँ कि भैया वो बिजनेस कौन कर रहा है एच अब मेरा क्वेश्चन है कि एच बनती कैसे है जैसे मैंने बोला मेरा पैन कार्ड इंडिविजुअल है एचएफ द एचएफ का पैन कार्ड कैसे होता है बाय नहीं 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 देखो आप लोग यही सीख कर आते हो कि एचएफ कैसे बनती है बाय बर्थ बनती है ऐसा थोड़ी होता है मुझे मेरी मैं मेरे पापा की एचएफ में बाय बर्थ मेंबर होता हूं समझो मैं अपने पापा की एचयूएफ में बाय बर्थ क्या होऊंगा मेंबर होऊंगा मैं उनसे हिस्सा मांगने के लिए, लिए। मुझे मेरी एचयूएफ बनानी है तो हाउ एच यू एफ बनती है ऑनलाइन कोई बता सकता है एच यू एफ कैसे बनती है आपको पता है एच यू एफ शादी करने से जैसे जैसे ही मेरी फैमिली आई तो मेरी एच यू एफ क्या हो जाएगी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी बट मुझे लॉफुली उसको एग्जिस्टेंस में लाना है इनकम टैक्स के में एच यू एफ को लेकर आना है शादी हुई शादी हुई वैसे ही मैं क्या करूंगा एक स्टैम्प पेपर लूंगा स्टैम्प पेपर पे एक डीड लिखवाऊंगा कि भाई मैं हूं मेरी पत्नी है और ये मेरे बच्चे हैं ये जो है वो क्या रहने वाले हैं मेरे एच के मेंबर्स होने वाले हैं एच एफ का क्या रहने वाला हूं करता रहने वाला हूं इस तरीके से मैं को क्या करूंगा फॉर्म करूंगा मैं दो एचईएफ के अंदर इंक्लूडेड हूं एक मैं अपनी खुद की एच का क्या हूं करता हूं और मैं पापा की एचईएफ का क्या हूं हूं जो वाइफ है वो मेरी एच की क्या है मेंबर है और वाइफ अपने फादर की भी क्या है मेंबर है है ना ऐसा तो आप भी अपनी क्या कर सकते हैं एच आप तो अभी क्या बना पाएंगे जब आपकी शादी होगी आप अपनी एच बना पाएंगे नहीं तो अगर आपके फादर ने अचीव बना रखी होगी तो फिर क्या होगा आप उसके मेंबर रहोगे बाय बर्थ आप उसके क्या बन जाओगे मेंबर बन जाओगे तो सर ये तो बहुत अच्छी प्लानिंग है एक तो आपका आपका पैन कार्ड ले लो आपकी एच का पैन कार्ड ले लो एक पापा का क्या ले लो पैन कार्ड ले लो और एक पापा की क्या कर लो एच तो टैक्स क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं इनकम टैक्स इसको क्या करता है परमिट करता है बट शादी होते से ही लीगली उसको रजिस्टर करवा लेनाशीद का पासवर्ड क्या है मेरा क्या आईपैड की आज बैटरी चले गई मैं अर्षित का लेकर आया आईपैड उसको फोन करके पूछता हूँ बता रहा हूँ आ रहा हूँ उस पर भी एड्रेस कर लेंगे क्या मालूम क्या डाला था इसने यार right. okay. आ रहा जब तक मैं उसका फोन आ रहा है जब तक मैं एक बार आपको एचएफ के बारे में बता देता हूं अब भाई एच मे को बनाना मेल मेंबर चाहिए एचएफ बनाने के लिए ठीक है एचएफ बनाने के लिए क्या चाहिए मेल मेंबर चाहिए आप क्या कर लोगे एचएफ बनाओगे फीमेल मेंबर्स से uh, मैंने तो स्टार्ट होते हुए नहीं देखी है मेल मेंबर क्या कर सकता है एच बना सकता है वाइफ के साथ एच बनाए वाइफ मेंबर है बच्चे भी उसके क्या रहेंगे मेंबर रहेंगे आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड को पार्सनर एनी आइडिया मेंबर एंड को पार्सनर के बीच में डिफरेंस व्हाट इज द नहीं पता फटाफट सुन लेते हैं अपन टाइम कम वेस्ट करेंगे uh, मे मेरे में जो मेरी वाइफ है वो मेंबर है वो हिस्सा नहीं मांग सकती मेरे बच्चे मेंबर भी है और को भी वो मेंबर जो हिस्सा मांग सकता है वो क्या कहलाता है को पार्सनर कहलाता है ठीक है मेरे वो वाइफ जो है उसके फादर की एच की मेंबर भी है और क्या है को पार्सनर भी है तो भाई फीमेल क्या कर सकती है हिस्सा मांग सकती है एच फॉर्म तो नहीं कर सकती लेकिन क्या कर सकती है अगर अपने फादर की एच में क्या कर सकते हैं वो हिस्सा मांग सकते हैं फीमेल को क्या मिलता है बाय बर्थ राइट मिलता है आज की तारीख में भाई के बराबर उनकी क्या है वैल्यू है फिर नेक्स्ट बात ये आती है अरेवर्ड पासवर्ड एक सेकेंड बोल भाई लिख के भेज दे बार बार भूल जाऊंगा मैं तो वन फाइव वन वन भेज देना हाँ अपने बच्चे हैं वही हिस्सा मांग सकते हैं अब तो मेरे को टेंशन बस यही रहेगा एच ओ फॉर्म करके कि यार मेरी इनकम वहां चले गई और वो एचईएफ की इनकम है कल से बड़ा होगा समझ आएगी तो वो क्या मांगने लग जाएगा हिस्सा मांगने लग जाएगा रिस्क है भाई सरकार बोलती है कि अब तुम टैक्स बचाना चाहते हो तो थोड़ी रिस्क भी ले लो मेरी इनकम रहेगी तो मेरी इच्छा मुझे जिसको देनी है उसको दूंगा या फिर नहीं दूंगा ठीक है जो हेड ऑफ दी फेम होता है वो कौन होता है करता फिर मान लो कि कर्ता की डेथ हो गई मेल मेंबर की डेथ हो गई तो क्या फीमेल करता बन सकती है फीमेल फीमेल कैन कैन बिकम बिकम दी दी तो मतलब फॉर्म नहीं कर रही लेकिन अगर एच में मेल मेंबर की डेथ हो गई और कोई और अवेलेबल नहीं है तो फिर एच में वो वाइफ जो होगी वो क्या बन जाएगी कर्ता और बच्चे क्या रहेंगे को पार्टनर्स क्या एक एच में पूरे की पूरी फीमेल हो सकती है क्या एच में फीमेल ही फीमेल हो सकती है हाँ, कैसे अगर एक फादर और उसकी शादी हुई वजह से ही उनने शादी हुई तो क्या करा एचवीएफ फॉर्म करी डेथ हो गई दोनों लड़कियां थी उनकी तो फीमेल मेंबर बिल भी, भी करता दोनों बेटियां बिल भी दी कोपार ठीक है तो ऐसा पॉसिबल है थोड़ी सी मैंने आपको ज्ञान दिया एचई के बारे में ऐसा इसलिए करते हैं ताकि टैक्स सेव क्या किया कुछ इनकम वहां डाइवर्ट करके तरीके होते हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा क्या होता है एच के केस में क्लबिंग भी अप्लाई हो जाती है तो क्लबिंग अप्लाई ना करते हुए किस तरीके से हम अपनी इनकम वहां शो कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपका इंटर लेवल है उसमें इंडिविजुअल एच पे ही ज्यादा क्या किया जाता है फोकस किया जाता है एच पॉसिबल है एम यू एफ़ यानि मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली पॉसिबल नहीं है तो एच एफ के बारे में याद रखना है शादी होती है तो एच एफ फॉर्म हो जाती है फीमेल मेंबर भी होती है कर्ता भी बन सकती है और अपने फादर की एच एफ में वो हिस्सा भी मांग सकती है जिनके घर में शादी होकर आई है उनके घर से वो हिस्सा नहीं मांग सकते बट उनके क्या बन जा सकते हैं मेंबर्स बन सकते हैं कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है लिमिटेड एच यू कितने टाइम तक चलती है चार पीढ़ियों तक चलती है मैं मेरे बच्चे मेरे बच्चे के बच्चे और उनके बच्चे कितने पीढ़ियों तक चलती है चार पीढ़ी तक फिर मेरी एच क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी ये बात थी किसके बारे में एच के बारे में तीसरा जो पर्सन है तीसरा जो पर्सन है वो होता है दोस्तों कंपनी कंपनी को भी क्या देना पड़ता है टैक्स देना पड़ता है कंपनी इंडियन कंपनी को भी क्या देना पड़ता है टैक्स ना मैं कहानी कहानी वानी नहीं सुनाते हुए फटाफट मेन जो चीज मुझे बतानी है वो बताकर आगे बढ़ूंगा है ना स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी इंडियन कंपनी को टैक्स देना है फॉरेन कंपनी को भी क्या देना पड़ेगा टैक्स देना पड़ेगा इसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइक स्टेटोटरी कारपोरेशन स्टेटोरी कारपोरेशन को भी क्या देना पड़ता है टैक्स वॉट आर स्टेटोरी कारपोरेशन स्टेटोरी कार्पोरेशन और दो आर दो विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एक्ट Is as corporations. Corporations पे भी क्या लगता है टैक्स लगता है एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एस बी आई इनके ऊपर गवर्नमेंट कंपनी है ठीक है लेकिन एक बात याद रखना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे टैक्स नहीं लगता गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेलवे डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके ऊपर क्या नहीं लगता टैक्स नहीं लगता गवर्नमेंट कंपनी बिकॉज देखो आप बोलिए गवर्नमेंट कंपनी भी तो गवर्नमेंट की इनपे क्यों टैक्स लग रहा है नहीं 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 सेपरेट लीगल एंटिटी मेंबर्स अलग होते हैं कंपनी क्या होती है अलग शेयर होल्डर अलग कंपनी अलग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कंपनी बोल दिया बात खत्म तो भाई एस को भी क्या करना पड़ेगा टैक्स देना पड़ेगा स्टेटोरी कॉपरेशन हो गवर्नमेंट कंपनी हो इंडियन कंपनी हो फॉरन कंपनी हो दोस्तों नेक्स्ट जिनको टैक्स देना पड़ता है नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन है वो कौन है एओपी और बीओआई एओपी बीओआई को भी क्या देना पड़ता है टैक्स एओपी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओआई इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स नाउ व्हाट इज बीओआई बीओआई क्या होता है एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसमें सारे के सारे नेचुरल पर्सन हो एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसमें सारे के सारे कौन से पर्सन हो नेचुरल पर्सन हो तो वो क्या कहलाता है आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल चार दोस्तों ने मिलकर एक रॉक बैंड बनाया ना तो वो इंडिविजुअल है और रॉक बैंड से वो परफॉर्मेंस देते हैं ना तो वो सेम फैमिली के मेंबर है दैट इज एच नहीं है कंपनी भी नहीं फॉर्म करी उनने पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करना पड़ता है पार्टनरशिप भी नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन लेकिन उसमें सारे के सारे नेचुरल पर्सन है तो उसे हम क्या कहेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल और एक कंपनी मिलकर भी एसोसिएशन बना सकते हैं मिलकर क्या कर सकते हैं काम कर सकते हैं जो कि ना पार्टनरशिप में आता है ना एलएलपी में आता है ना ही कंपनी में डेफिनेशन में आता है तो फिर वो कहां आ जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर आ जाता है एक लाइन जो फेमस है काफी आपने सुनी भी होगी एवरी बी ओ आई इज एओपी एवरी बी ओ आई इज एओपी यानी एवरी बी ओ आई इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन बट एवरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन नीड नॉट बी बी ओ आई वो बी ओ आई नहीं होगा हीरो होंडा ने ज्वाइंट वेंचर किया था तो ये क्या था एक तरीके से एसोसिएशन में आकर उनने क्या किया था काम लेकिन जब दोनों ही पर्सन वहां पे या एक भी पर्सन आपका नेचुरल पर्सन नहीं निकले तो फिर वो क्या कहलाता है एसोसिएशन बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनने के लिए सारे के सारे नेचुरल पर्सन होने चाहिए एओपी बी के अंदर जिनका टैक्स होता है वो होते हैं ट्रस्ट वो क्या होते हैं ट्रस्ट होते हैं इनको यहां पे टैक्स देना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी क्या माना गया है सोसिएशन ऑफ पर्सन माना गया है यहां टैक्स लगता है Joint venture पे भी दोस्तों, association क्या लगता है टैक्स लगता है देन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन जो पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं वो है पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म इंडियन पार्टनरशिप फॉर्म हो फॉरन पार्टनरशिप फॉर्म हो टैक्स लगेगा एल एल पी पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूड्स एलएलपी जो भी प्रोविजन पार्टनरशिप के होंगे वो प्रोविजन एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे और अनलेस मैं ये ये कह दूं कि एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं है तो आप ये मानना जो बात मैं पार्टनरशिप के लिए बोल रहा हूँ वो सारी बातें किसके लिए एप्लीकेबल है एल के लिए एल इज नॉट अ सेपरेट पर्सन बट इट इज इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म देन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ जो पर्सन है लोकल अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी इज अ पर्सन लोकल अथॉरिटी को पर्सन माना गया है मतलब सरकार ने अपना जो सबसे छोटा भाई है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पर्सन नहीं माना मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स पे क्या नहीं लगता टैक्स नहीं लगता क्योंकि कंपनी बना लेते हैं तो, तो देर इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बट डिपार्टमेंट होता है तो देर इज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस तो फिर वहां पर डिपार्टमेंट्स पे टैक्स नहीं स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे क्या नहीं लगता टैक्स लेकिन लोकल अथॉरिटी पे क्या लग सकता है टैक्स लग सकता है उसे पर्सन माना गया है लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं होती है क्योंकि होता यह लोकल अथॉरिटी को पर्सन तो माना है लेकिन इनकी मैक्सिमम इनकम क्या कर दी गई है सेक्शन टेन इलेवन में जाओ देखोगे तो आपको इनकम एग्जम्ड कर दी गई है पर्सन भी होना चाहिए इनकम एक्सम नहीं होना चाहिए पर्सन मानते हैं लेकिन कुछ इनकम एक्सम तो करवा देते हैं लोकल अथॉरिटी भी पर्सन है पंचायत भी पर्सन है और कैंट बोर्ड भी पर्सन है कैंट बोर्ड मतलब कौन होता है छावनी ना कहीं कहीं देखो गांव में तो ग्रामीण क्षेत्र में तो क्या होती है पंचायत नगर वो भी पर्सन है लोकल अथॉरिटी वो भी क्या है कैंट बोर्ड कैंट बोर्ड कुछ जगह छावनी होती जैसे हमारे इंदौर के पास में महू है is, पे आर्मी रन करती है तो उसको भी एक पर्सन माना है अगर उस आर्मी की उस कैंटोनमेंट बोर्ड की कुछ इनकम हो रही होगी तो शायद उस पर क्या लग जाए टैक्स लग जाए देन फिर यहां आते हैं एजेपी आर्टिफिशियल जुडीडिकल पर्सन नॉट कवर्ड अबाउ ये पर्सन की डेफिनेशन है जो ऊपर कहीं पे कवर्ड नहीं हुए हैं वो यहां पर कवर्ड आ जाते हैं ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन जो ऊपर कहीं कवर्ड नहीं होंगे तो बेसिकली यहां पर जो होते हैं यूनिवर्सिटी आ जाती है यूनिवर्सिटी को इंडिविजुअल नहीं कह सकते एच नहीं कह सकते कंपनी नहीं कह सकते एओपी बी नहीं कहते हैं उनको एल एल पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है तो फिर कहा आ जाएगा यहां पर फिर दोस्तों यहां पर आई भी आ जाएगा यहाँ पर आई IC... भी आ जाएगा यहां पर आपका सेबी आपने सुना होगा सेबी तो ये भी सब आर्टिफिशियल पर्सन है एक्ट से फॉर्म हुआ है वो स्टैट्यूटरी क्या है बॉडी है उसका काम है गवर्न करना मैनेज करना सेबी से पैसे कमाता है लेकिन उसका मेन एम क्या है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना रेगुलेशन है ना आरबीआई आरबीआई स्पेशल एक्ट से फॉर्म होने से स्ट्रेटोडिकेशन बेसिकली धंधे करने के लिए बनते हैं आईसीआई धंधा करने के लिए नहीं है सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए यस yes, आईसीआई की कुछ इनकम पे क्या लगेगा टैक्स लगेगा कुछ इनकम इनकी क्या हो जाएगी एग्जाम हो जाएगी लेकिन जिन इनकम पे टैक्स लगेगा वो क्या मान के लगेगा एजेपी मान के लगेगा आर्टिफिशियल जुडिज से भी सेबी अगर सेबी पे टैक्स लगता है तो फिर वो सेबी पे टैक्स लगेगा तो क्या मान के लगेगा एजेपी रिपीट कर देंगे फटाफट से पर्सन की डेफिनेशन कौन सेक्शन में दे रखिए टू क्लॉस थर्टी वन के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है यहाँ पे इंडिविजुअल एच यू एफ पार्ट कंपनी है ना कंपनी में कौन कौन सी इंडियन कंपनी फॉरन कंपनी गवर्नमेंट कंपनी स्टेटोरिक कारपरेशन वट इज द डिफरेंट बिटवीन स्ट्रेटोरिक कार्पोरेशन एंड स्टेटरी बॉडी स्टेटरी कॉरपोरेशन धंधे करने के लिए बने हैं मेजरली और स्टेटरी बॉडीज जो है वो किसके लिए बनाई गई है रेगुलेशन के लिए बहुत स्पेशल एक्ट से बनाए जाते हैं दोनों को उसको क्या मानते हैं कंपनी मानते हैं और इनको क्या मानते हैं एजेपी फिर एओपी बीओवाई एओपी बीओ में किसका टैक्सेशन होता है ट्रस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और जॉइंट वेंचर्स पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूड्स एल लोकल अथॉरिटी पंचायत और बोर्ड और आखिरी में आ जाएगा एजेपी आखिरी में दोस्तों यहां भगवान भी आते हैं गॉड्स भी एजेपी में आते हैं आप यहां पेड़ के पास में एक भगवान की मूर्ति लगा दीजिए दो अगरबत्ती लगा दीजिए जो भी बच्चा एकेडमी में आएगा सबसे पहले क्या करेगा पैसे डालकर आएगा आप वहां पुजारी बनकर बैठ जाइए आपकी जो इनकम यानी भगवान की जो इनकम हो रही है वो भगवान से क्या लिया जाएगा टैक्स आपके थ्रू आपके थ्रू क्या लिया जाएगा दोस्तों टैक्स लिया जाएगा भगवान पे भी टैक्स लगता है लेकिन कुछ मंदिर के ट्रस्ट होते हैं है ना जिनको इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है इनकम टैक्स में एक सेक्शन है ट्वेल्व डबल है और एक सेक्शन है ट्वेल्व ए भी उसमें ट्रस्ट को रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट को क्या करा जाता है रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है तो अगर वो ट्रस्ट बन गए हैं तो कहां आ जाएंगे भाई ट्रस्ट बन गए हैं तो कहां आ जाएंगे एओपी में अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप ये नहीं बोल सकते कि हमें टैक्स नहीं देना टैक्स लगेगा लेकिन किस नाम से लगेगा एजेपी के नाम से लगेगा अब आपके मन में जो सवाल है पूछ लो कि इस पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है जो आपके मन में आ रहा है आप बोले सर स्कूल स्कूल पे टैक्स लगेगा मैंने स्कूल चालू करा स्कूल पे क्या लगेगा टैक्स पार्टनरशिप में स्कूल चालू करा था। तो पार्टनरशिप फॉर्म बन जाएगा आपने देखा होगा स्कूल ट्रस्ट में चल रहे हैं कॉलेजेस भी ट्रस्ट पे चलते हैं तो, है तो है, नहीं है तो इनकम पे क्या लगेगा टैक्स सोच लो और क्या सोच पा रहे हो जो छूट गया हो मुझसे और आपको पता होना चाहिए कि कहा आएगा क्लब एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये क्लब क्या हो जाएगा आपका यस yes, है ना क्लब जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्लब की इनकम कुछ इनकम एग्जम्प्ट होती है कुछ इनकम पे क्या देना पड़ सकता है टैक्स देना पड़ सकता है लेकिन अगर टैक्स लगेगा तो क्या मान के लगेगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कुछ किसी को आ रहा है मन में बढ़े आगे ठीक है पर्सन होना चाहिए फिर पर्सन की क्या होना चाहिए इनकम होना चाहिए पर्सन की इनकम पर्सन की इनकम कहां दे रखी है उसकी डेफिनेशन दे रखी है टू क्लॉस ट्वेंटी फोर के अंदर सी इनकम क्या होती है इनकम क्या होती है यह बताने में पूरा इनकम टैक्स पढ़ाना पड़ेगा इनकम की जो डेफिनेशन है वो कम से कम कम से कम उसमें 45 50 आइटम्स है जिनको इनकम की डेफिनेशन में क्या किया गया है इंक्लूड उसे अभी पढ़ाया नहीं जा सकता धीरे धीरे जब हम इनकम पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज इनकम बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हाउ टू कैलकुलेट दी इनकम इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है किसी भी व्यक्ति की हाउ टू कैलकुलेट इनकम ठीक मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और बोलता है कि साहब मुझे इनकम टैक्स भरना है तो मैं क्या स्टेप्स फॉलो करता हूं समझना सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि वो कौन सी कैटेगरी का पर्सन है कौन सी कैटेगरी का पर्सन है क्या वो कंपनी है क्या वो पार्टनरशिप फर्म है क्या वो इंडिविजुअल है क्या वो एच है फिर मैं उससे पूछता हूं कि आप अपना स्टेटस बताइए है ना आप अपना क्या बता दीजिए स्टेटस आप रेसिडेंट है कि आप नॉन रेसिडेंट है तो वो बोलेगा सर हमें नहीं पता आप ही बताओ कि हम रेसिडेंट है या नहीं मैंने पूछा बार बार जाते हो क्या बोले हाँ बहुत बार बार जाना तो आपका पासपोर्ट लेकर आ जाओ आपका पासपोर्ट देख कर क्या करूंगा मैं बताऊंगा कि आप रेसिडेंट हो या फिर ना हो नाम डेज कैलकुलेट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस पे आज ही हम वो स्टार्ट आज करेंगे आज तो स्टार्ट ही करें ऑडिट की क्लास है क्या मेरा फर्स्ट चैप्टर ही क्या होगा दोस्तों स्कोप ऑफ इनकम दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस है ना आज देखते हैं स्टार्ट हो पाएगा कि नहीं पर्सन तो पर्सन का हमें क्या पता होना चाहिए स्टेटस पता होना चाहिए फिर मैं उससे अपना उससे स्टेटस पूछ लिया फिर मैं उससे पूछूंगा भाई इनकम कहां से अर्न करते हो वो बोलेगा कि मैं इनकम अर्न करता हूं सैलरी से तो ठीक है मैं उसका कैलकुलेशन करूंगा उससे पूछूंगा कि सैलरी में आपको क्या क्या मिलता है वो बोलेगा बोनस मिला कमीशन मिला बेसिक सैलरी मिली अलावेंसेस मिले ये पर्क्स मिले वो नहीं बोलेगा तो मैं उससे पूछूंगा भाई आप चार्टेड अकाउंटेंट तो आपको पूछना पड़ेगा तभी तो उसको तो पता ही नहीं कि कि किस पे टैक्स देना है किस पे टैक्स नहीं देना है तो भाई मैं उसमें सैलरी हेड अगर सैलरी हेड बोला तो मैं सैलरी हेड के प्रोविजन क्या करूंगा अप्लाई करूंगा आपके सिलेबस में रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का एक चैप्टर है सैलरी हेड में कैसे इनकम कैलकुलेट की जाती है इसका एक चैप्टर है फिर बोलेगा कि साहब सैलरी से इनकम नहीं है सैलरी से इनकम नहीं है सैलरी से इनकम नहीं है तो इनकम से हो सकती है मैंने बोलूंगा हाउस प्रॉपर्टी से तो ये इसकी बैटरी भी निपट गई रुको आज, निकालते हैं बैटरी इशू है आ, मैं आज अभी जितना बता पाता हूं एक बार आज बता देता हूं हमारे पास दस मिनट बचे हैं बट आज थोड़ा सा जल्दी एंड करना पड़ सकता है देखिए पर्सन पर्सन का हमें क्या पता होना चाहिए स्टेटस स्टेटस पता होने के बाद मैं उससे पूछूंगा कि बताओ इनकम कहाँ से है तो बोलेगा सैलरी से है तो उसके लिए क्या अप्लाई करूंगा सैलरी हेड मैं उससे पूछूंगा क्या मकान से किराया तो नहीं आता है तो फिर उसके लिए क्या एप्लीकेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी हेड फिर मैं उससे पूछूंगा कोई धंधा वंदा तो नहीं करते हो तो फिर उसके लिए क्या अप्लाई करूंगा अगर करता भी है तो पीजीपी अप्लाई करूंगा कोई शेयर्स बेचे हैं क्या जमीन बेची है क्या कैपिटल गेन्स पूछूंगा कोई एफडी पे इनकम यानी इनके अलावा कुछ अदर इनकम है क्या तो ये हेड्स क्या करूंगा मैं अप्लाई अब सोचो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो सब चीजें क्यों मिक्स करते हैं क्योंकि आपके पास जो केस आएगा क्या वो एक ही वो बोलेगा कि मेरे को सैलरी की भी इनकम है और मैंने शेयर्स भी बेचे तो सैलरी प्लस कैपिटल गेन का क्या बन जाएगा कॉम्बो बन जाएगा फिर मैं हर क्वेश्चन में सारी चीजें सोचने की कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन में सारी चीजें सोचने की कोशिश करूंगा फिर जैसे ही ये हो जाएगा ना मैं उससे पूछूंगा शादी हो गई बच्चे बच्चे है क्या बीबी -बी है क्या तो उसमें कुछ ट्रांजेक्शन क्या होते हैं जो बच्चे की इनकम होती है या जो बीबी -बी की इनकम होती है वो आपके आपको उस पर क्या देना पड़ता है टैक्स देना पड़ता है तो कभी कभी दूसरे की इनकम पे भी क्या लगता है टैक्स लगता है तो मैं देखूंगा कि भाई कोई क्लबिंग ऑफ एप्लीकेबल नहीं है तो आपको पता है कि क्या करते हैं सेट ऑफ करते हैं और सेट ऑफ नहीं कर पाए तो क्या करते हैं कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो भाई क्वेश्चन कैसा बनेगा क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई की सैलरी इनकम है और उसको बिजनेस में क्या हुआ है लॉस तो सैलरी और आपका सेट ऑफ का क्या बन गया कॉम्बो बन गया कुछ भी बन सकता है सैलरी भी अप्लाई हो गया क्लबिंग भी अप्लाई हो गया बच्चे की इनकम क्लब करा दी और लॉस का पॉइंट भी डाल दिया तो सेट ऑफ भी एप्लीकेबल हो गया इसलिए हमें सब कुछ सोचना है ये करने के बाद लॉस वगैरह माइनस करने के बाद दूसरे की इनकम जोड़ने के बाद क्या आता है दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स नहीं लगता उसमें से डिडक्शन माइनस होती है तब क्या निकल कर आता है टोटल इनकम टोटल इनकम पे टैक्स हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल रेट से स्पेशल रेट से ओटीआर डीटीआर की बातें यहां पर होती है जितना टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं उतना पे नहीं करना पड़ता क्योंकि टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स आप ऑलरेडी जमा कर चुके होते हो तो टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स का एक चैप्टर होता है और ये जितने भी आपने कांड किए हैं इसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ता है एंड दिस इज द सिलेबस ऑफ इनकम टैक्स जब भी क्वेश्चन करो तो ये सारी चीज़ों को साथ में सोचो है ना स्टेटस पता कर लो हमेशा अलर्ट भैया वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट पहले देख लो इंडिविजुअल है एच यू एफ है पार्टनरशिप फॉर्म है यहीं से स्टार्ट करा सेकंड फिर हमारा फिक्स है हमारा ये रूट फिक्स है देखो स्टेटस अच्छी बात है खुद ही बोल देंगे रेसिडेंट है बात ही खत्म कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तीसरा कौन से हेट की इनकम ज़्यादा दे रखी है सैलरी है हाउस प्रॉपर्टी उसके फॉर्मेट उसके प्रोविजन अप्लाई करो फिर देख लो कहीं बच्चा तो नहीं कहीं बीबी तो नहीं है कोई क्लबिंग तो नहीं हो रही है फिर देख लो लॉस डिडक्शंस एंड आखिरी में टैक्स कैलकुलेशन होता है और फिर टीडीएस टैक्स और ये सब के लिए क्या होता है रिटर्न ये बात थी इनकम से लेके लेकिन अब समझना इनकम के बारे में मैंने डेफिनेशन नहीं बताई इनकम कैसे निकालते हैं टोटल इनकम कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किया इनकम टैक्स में जो डेफिनेशन दी है ना इनकम की उसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए

मैंने जाके लॉटरी खेली लॉटरी खेली इससे जो रिसिप्ट कौन से रिसिप्ट कैपिटल नेचर ने इनकम टैक्स वाले ने जो डेफिनेशन बताई है ना जो डेफिनेशन बनाई है, ये सोच के बनाई है कि जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट हो रही है जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट हो रही है वो सब टैक्सेबल है क्या बोला मैंने जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है उन सब पे आपको क्या देना पड़ेगा टैक्स लेकिन जब तक की वो एग्जम्ट ना हो जब तक की वो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या ना हो एग्जाम ना हो आपको क्या देना पड़ेगा टैक्स देना पड़ेगा सो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट थिंकिंग इन माइंड रेवेन्यू रिसिप्ट इज ऑलवेज टैक्सेबल और रनलेस एग्जम्ट लेकिन कैपिटल रिसिप्ट इज ओनली टैक्सेबल इफ इट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम अगर डेफिनेशन में उसको इंक्लूड किया है तो ही कैपिटल पे क्या लगेगा टैक्स लगेगा नहीं तो कैपिटल पे क्या नहीं लगेगा टैक्स आप जब इनकम की डेफिनेशन जब हम लास्ट में देखेंगे जब हम इनकम टैक्स पढ़ चुके होंगे तब मैं आपको बताऊंगा उसमें मैक्सिमम इनकम्स जो है वो कौन सी है कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि अगर वो कैपिटल रिसिप्ट को इंक्लूड नहीं करते इनकम नहीं मानते तो फिर जो इनकी थिंकिंग थी कि सिर्फ रेवेन्यू से टैक्स लेना है कैपिटल से टैक्स लेना है वो इनकम पे टैक्स छूट जाता तो मैक्सिमम कैपिटल रिसिप्ट को उन्हें इनकम में क्या कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगेगा गिफ्ट लेंगे गिफ्ट रेगुलर तो मिलता ही नहीं कभी कभी मिला गिफ्ट पे भी क्या लग सकता है टैक्स लग सकता है तो उन्हें रेवेन्यू पे जनरली टैक्सेबल है कैपिटल जनरली एक्समड है लेकिन जो इंक्लूड कर लेंगे उस पर क्या लगेगा टैक्स लगेगा अच्छा इनकम टैक्स नेट इनकम पे लगता है ग्रॉस इनकम पे नहीं लगता इट इज नॉट लाइक जीएसटी इट इज नॉट लाइक जीएसटी मेरे टर्नओवर पे इनकम टैक्स नहीं लगता है मैंने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है यानी खर्चे माइनस करने के बाद उसके बाद जो इनकम बचती है उसपे क्या लगता है टैक्स इनकम so कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बताया इनकम कैलकुलेट करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है पहली बात कि कौन सी इनकम टैक्सेबल है ग्रॉस इनकम नहीं नेट इनकम टैक्सेबल है और रेवेन्यू इनकम रेवेन्यू इनकम जो होती है वो ऑलवेज टैक्सेबल होती है जब तक कि वो एग्जम्ट ना हो और जो कैपिटल डिट्स होती है वो जनरली एग्जम्ट होती है जब तक कि उसको इनकम में इंक्लूड ना किया गया हो ये बताइ समझ में ओके अब इनकम होनी चाहिए प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर व्हाट इज प्रीवियस ईयर है ना पर्सन होना चाहिए पर्सन की इनकम होना चाहिए डेफिनेशन बाद में देखेंगे दो बातें याद रखनी प्लस क्या याद रखना ये फॉर्मेट किस तरीके से इनकम कैलकुलेट करनी है तीसरी तीसरी चीज जो हमें देखनी है दैट इज प्रीवियस ईयर व्हाट इज प्रीवियस ईयर टेल मी ये तो बहुत इजी बात है इसको पढ़ाना ही पढ़ाना ही नहीं चाहिए जब क्रैश भी पढ़ा रहा हूं तो भी नहीं पढ़ाना चाहिए जिस यह, हाँ जिस ईयर में इनकम क्या करते हैं अर्न करते हैं वो क्या होता है प्रीवियस ईयर द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर ओके बेसिकली द करंट ईयर इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर जो करंट ईयर है उसको क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर कहते हैं जिस साल इनकम अर्न कर रहे हैं आप लोगों की एग्जाम के लिए अच्छा अभी कौन सा ईयर चल रहा है कौन सा ईयर स्टार्ट हो गया अभी हम फिनेंशियल ईयर कंसिडर करते हैं ट्वेंटी फोर चालू हो गया है फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी लेके इकतीस मार्च ट्वेंटी क्या है प्रीवियस ईयर लेकिन बच्चों आपकी एग्जाम कब है सेप्टेंबर में आपके लिए ये वाला प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है वो कौन सा है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर आपके लिए जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है 23, 24. तो 23, 24 में में. इनकम अर्न की गई है, That income is, uh, earned in the previous year. इस पे टैक्स कब देते हैं? As आपको तेवीस चौबीस के क्वेश्चन आएंगे कि भाई तेवीस चौबीस में उसने ये ये इनकम अर्न करिए बताइए इसको चौबीस पच्चीस में कितना टैक्स क्या करना है पे करना है

अगर कोई नई सोर्स ऑफ इनकम है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जुलाई से कोई इनकम अर्न करना चालू हुई तो उसका प्रीवियस ईयर एक अप्रैल से चालू नहीं होगा उसका प्रीवियस कब से चालू होगा एक जुलाई से लेकिन सारे प्रीवियस ईयर खत्म कहां होंगे इकतीस मार्च पे सारे प्रीवियस ईयर आके खत्म कहाँ होंगे इकतीस मैं पढ़ा रहा था पढ़ाने की इनकम एक अप्रैल से है तो एक अप्रैल से लेकर इकतीस मार्च तक ये उस पढ़ाने की इनकम का प्रीवियस ईयर लेकिन मैंने शेयर ट्रेडिंग करना जुलाई में स्टार्ट करी तो शेयर ट्रेडिंग का जुलाई से लेकर जुलाई से लेकर कहां तक मार्च तक का क्या रहेगा प्रीवियस ईयर अगले साल से दोनों फर्स्ट अप्रैल से ही क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा तो न्यू सोर्स ऑफ इनकम के लिए प्रीवियस ईयर बारह महीने से क्या हो सकता है कम का हो सकता है अभी बजट आने वाला है अभी बजट आने वाला है 23 तारीख को दैट बजट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू जो बजट एक फरवरी चौबीस को आया था वो भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए जो फिनेंस एक्ट एप्लीकेबल रहेगा आपके अटेम्प्ट के लिए प्लीज ध्यान से सुनना जो फिनेंस एक्ट एप्लीकेबल रहेगा वो रहेगा फर्स्ट जो आ, आपका जो फर्स्ट फेबर 2023 को आया था वो वाला इसलिए आपके लिए जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है वो 23-24 है जो सिलेबस आपका मे अटेम्प्ट में था एक्सैक्टली exactly सेम कहां रहेगा ये सेप्टेंबर में और से, जनवरी में भी जनवरी में भी सेम रहता है जैसे ही अगला मे अटेम्प्ट आएगा तब आपके लिए जो ये नया बजट आया होंगे वो सारे बजट्स क्या हो जाएंगे एप्लीकेबल हो जाएंगे तब मेजर चेंजेस आते हैं तो अपने लिए एक अच्छी बात है इनकम टैक्स में जो भी अमेंडमेंट्स है कुछ रिसेंटली दो नोटिफिकेशन होंगे वो देखने होंगे बाकी मेजरली कुछ नया नहीं होगा जो आप लोगों ने पढ़ा है वही है ज्यादा अमेंडमेंट्स उसमें नहीं है ठीक है ये ध्यान रहेगा आपको प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस और असेसमेंट ईयर चौबीस पच्चीस अब कल से ही हम स्टार्ट करेंगे कल से हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमें पढ़ना है दैट इज स्कोप ऑफ इनकम कितना टाइम लगेगा एक दिन में आपको पूरी थ्योरी बताऊंगा और अगले दिन में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा दो दिन में रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म पिछले चार अटेम्प्ट पांच अटेम्प्ट के आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर के रेजिडेंशियल स्टेटस के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे आता ही है हर अटेम्प्ट में आता है स्कोर कंफर्म करने की कोशिश करेंगे ठीक है सो आज के लिए इतना ही देखते हैं बाकी कल मिलते हैं थैंक यू